नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। शर्म इसलिए कि हम उस समाज का हिस्सा है जहां समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ही देश को गंदा कर रहे हैं। अब ये जो तस्वीर है और ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये वीडियो है वसई के मणिकपुर से वसई स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां म्युनिसिपैलिटी के कुछ कर्मचारी रोड के डिवाइडर की सफाई कर रहे हैं। अभी अगले एक दो दिनों बाद में वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत मैराथन का आयोजन होना है। उस मैराथन के आयोजन के लिए क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर सुशोभीकरण हो रहा है, उसी कड़ी में फिलहाल ये स्वच्छता मुहिम हाथ में ली गई है। ये चीज शर्मसार करने वाली नहीं है, शर्मसार करने वाली है कि ये गंदगी क्या है। तो आप देखिए, गौर से देखिए, ये जितने डिवाइडर है इन पर पान खाकर थूका गया है। ये हमारे लिए काफी शर्मनाक बात है। जैसा मैंने पहले अभी कहा कि मैं उस समाज का हिस्सा हूं जिसके कुछ लोग इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं। मेरा सवाल है उन लोगों से जो लोग गुटखा खाकर इस तरह से थूकते, क्या वो अपने घर में इसी तरह से थूकते हैं? ये गलत है। जब वो अपने घर में इस तरह से नहीं थूकते तो क्यों हम हमारे देश की, हमारे गांव की, शहर की सड़कों पर या सड़क पर बनने वाली कलाकृतियों पर इस तरह से थूके? हम हर बार दोष देते हैं महानगर पालिका ने कुछ किया नहीं, प्रशासन ने कुछ किया नहीं, लेकिन प्रशासन जब कुछ अच्छा करने जाए तो क्या हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको साफ रखें? मैं इतना तीखा कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन बोल रहा हूं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे समाज का हर एक इंसान जिम्मेदार है और सभी लोग इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह से हरकत करते हैं उससे नाम पूरे समाज का बदनाम हो रहा है। तो ये विनती करना चाहूंगा कि आगे से हमको अपनी अपने आसपास की सफाई बना के रखनी है। और इन पान, मैं उन लोगों से आह्वान करना चाहूंगा जो पान गुटखा नहीं खाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन प्रशासन ले, उसके लिए हम कदम आगे बढ़ाए। तो आप तस्वीरें देख रहे हो, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, इतना सख्त मैंने ये वीडियो में कहा, इसके लिए हाथ जोड़ के सभी से माफी चाहूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो कड़वा सच है, वो मैंने आपको दिखाया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।